संतोष दूर गांव में, अभी यहां पे जो गब्बर सिंह भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, इन्होंने 50-50 करोड़ की बोली लगाई बिकने वालों की, गद्दारी करने वालों। यही नारा लग रहा था महाराष्ट्र की विधानसभा में, क्या लग रहा था नारा गद्दारों को देख के? 50 फोके एकदम ओके, 50 फोके एकदम ओके। तो क्या ऐसे बेईमानों के साथ खड़े हो गए आप? नहीं। ऐसे बेईमानों के साथ खड़े हो गए क्या? नहीं। दूसरी पार्टी तोड़ी शरद पवार की पार्टी, उनकी पार्टी तोड़ ली, उद्धव ठाकरे का तीर कमान चुरा लिया, शरद पवार की घड़ी चुरा ली। अरे मैंने सुना था सोना चोर होते, कार चोर होते, बाइक चोर होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले पार्टी चोर है, पार्टी चोर विधायक चोर। बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, ये अपहरण गैंग बन गई है। शिंदे को साथ में लेके चले गए, शिंदे को किसने बनाया ईमानदारी से बताना, किसने बनाया, किसने आगे बढ़ाया? तो छत्रपति शिवाजी महाराज का एक ही संदेश है, जिनकी प्रतिमा आपके सामने दिख रही है, उनका एक ही संदेश है, गद्दारों को माफी नहीं, गद्दारों को माफी नहीं। चुनाव हो रहा है, आप सब उत्तर भारत के लोग हैं, हम लोग यूपी से, बिहार से, सुल्तानपुर से, प्रतापगढ़ से, आजमगढ़ से, बस्ती से, देवरिया से, गोरखपुर से आते हैं मुंबई के अंदर, श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, एक सपना लेके आते हैं उत्तर भारत से, मेहनत करेंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, अपने घर वालों को अच्छा खिलाएंगे, अपना मकान बनाएंगे, ठीक से रहेंगे, सम्मान की जिंदगी जीने का काम करेंगे। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे सिंधे के लोग हों, चुनाव में यह बताने के लिए तैयार नहीं कि मुंबई में कितना स्कूल बनाया, महाराष्ट्र में कितना स्कूल बनाया, कितने सरकारी अस्पताल बनाए, कितने सड़कें बनाई, कितना रोजगार दिया, कितना किसानों का कर्जा माफ किया, कितना व्यापारियों को जीएसटी से राहत दी, कितना उत्तर भारतीयों के लिए काम किया, यह बताने के लिए तैयार नहीं। कोई कह रहा बटेंगे कटेंगे, कोई कह रहा एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे। सुना कि नहीं सुना आपने? क्या कहा भारत के प्रधानमंत्री ने? भारत के प्रधानमंत्री ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मुझसे मीडिया वालों ने पूछा कि किसके लिए कहा, मैंने कहा दुबई के सेफों के लिए कहा, जिसको गले लगाते हैं मोदी जी, कहेंगे एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखा नहीं देखा? देखा कि नहीं? हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ भड़काते, दुबई में कतर में जाते हैं तो सेठों को गले लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते बताओ? सेठों को गले लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनके भतीजे जैसा का धंधा चल रहा है, जहां धंधे का सवाल है वहां धर्म पीछे है, जहां धंधे का सवाल है वहां धर्म पीछे है, वहां सेठों को गले लगाएंगे और हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करेंगे, पाकिस्तान में बिरयानी खाएंगे, नफरत फैलाने का काम करेंगे, पाकिस्तान में अपने दोस्त को धंधा दिलाने जाएंगे तो नवाज शरीफ को गले लगाएंगे, आईएसआई को बुलाकर पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराएंगे और हम का हमारे खिलाफ यहां पे नफरत फैलाने का काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री की भाषा शर्मनाक भाषा है। अगर आप उत्तर भारत के लोग हैं तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मेरे भाइयों और दोस्तों, आज आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं, इस बार मराठी मानुष के साथ मिलकर उत्तर भारतीय वोट करेगा, सब लोग एक साथ मिलकर वोट करेगा। मराठी मानुष उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है, मराठी मानुष छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों पर खड़ा है, मराठी मानुष आज गद्दारों के खिलाफ खड़ा है,
आज उनके साथ खड़े होने का काम उत्तर भारत के लोगों को करना है, आपको करना है। प्रधानमंत्री की भाषा के खिलाफ भी वोट करना है। देश का प्रधानमंत्री सभाओं में जाता है, कहता है आपकी भैंस चोरी करके ले जाएंगे, फिर कहता है आपका मंगल सूत्र चोरी करके ले जाएंगे, फिर कहता है आपका रोटी चोरी करके ले जाएंगे। अब हद हो गई, प्रधानमंत्री ने कहा बेटी चोरी करके ले जाएंगे। बोला नहीं बोला? बोला बोला ना? बोला बोला ना? अरे नरेंद्र मोदी जी, 10 साल से तुम प्रधानमंत्री हो, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, देश का गृह मंत्री तुम्हारा, रक्षा मंत्री तुम्हारा, प्रधानमंत्री तुम हो। अगर 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो मैं ये कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का पद छोड़ो, गुजरात में जाके घास छीलने का काम करो, तुमको प्रधानमंत्री रहने का अधिकार। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल सही। अधिकार है क्या?